हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आधी कटोरी सूजी से बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब घर में इजीली मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कटोरी से थोड़े से ज़्यादा सूजी, और ये आधा कटोरी मैंने घी लिया है। तो सबसे पहले दूध को गर्म होने के लिए हम गैस पर चढ़ा देंगे। दूध मैंने 1 से 1.5 लीटर के करीब लिए हैं और ये मैंने फुल फैट दूध लिए हैं। आप भी फुल फैट ही दूध लीजिएगा जिससे कि आपके भी मिठाई बहुत अच्छे से तैयार हो। तो मैंने यहाँ तक दूध को पका लिया है एक उबाल आने तक, और इनको अभी हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं पकने के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, पैन को गर्म होने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। हम इसमें ऐड कर देंगे घी जो मैंने आधे कटोरी लिए थे। 2 से 3 चम्मच मैंने घी बचा लिया है, उनको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी। घी मेल्ट होने के बाद सूजी को ऐड करेंगे और इसी तरह से 6 से 7 मिनट लगातार सूजी को चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, ख्याल रहे सूजी का कलर हमें नहीं चेंज करना है, बस इसमें से हल्की सी सुंदर सी खुशबू आने लगे यहाँ तक हम इनको भूनेंगे। तो 6 से 7 मिनट तक मैंने सूजी को भून लिया है। गैस की फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दूध। कच्चा दूध मैंने लिया है, आप रूम टेम्परेचर कैसा भी दूध ले सकते हैं। और दूध को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है, इसी तरह से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे दूध और सूजी को। तो सूजी और दूध को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोबारा से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इनको दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे हमारे मिठाई बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने सूजी को भून लिया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर हम आ गए हैं दूध की तरफ। और अब ये हमारे दूध भी आधे हो चुके हैं पकते हुए, अभी इनको हम और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं दूध को मैंने 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है, और दूध की थिकनेस आप देख सकते हैं बस इतनी ही हमें चाहिए। हाई फ्लेम पर मैंने दूध को पकाया है ताकि दूध जल्दी से थिक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही हमें चाहिए। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब फिर से सूजी की तरफ आ जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी। आधा कप मैंने शुगर लिया है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और इस तरह से हम थोड़े से पानी का छींटा देंगे ताकि चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए और मिठाई भी सॉफ्ट बने। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े पानी ही ऐड कीजिएगा, 2 से 3 बार हम पानी ऐड करेंगे इस तरह से, और लगातार सूजी को चलाते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो चीनी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीनी के पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। मैंने चीनी को मेल्ट होने के लिए थोड़े से पानी का छींटा दिया था ताकि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब जो मैंने दूध को गाढ़े करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे। थोड़े से इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। फ्लेवर के लिए आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ में वो घी ऐड कर देंगे जो मैंने बचा कर रखे थे। घी से बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी हमारी मिठाई में, इससे मिठाई का टेस्ट इनहेंस होगा। तो आप इस स्टेप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इनको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको इसी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे, या फिर तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये मिक्स इकट्ठा ना होने लगे। तो ये आप देख सकते हैं मिक्स हमारे इस तरह से इकट्ठा होने लगे हैं, पैन भी छोड़ दिए हैं। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इनको हम एक बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक थाली लिया हुआ है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। थाली को मैंने पहले से अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया था ताकि हम मिठाई को फटाफट से सेट कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं मिठाई को मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है और अब इनको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। पर उससे पहले हम लगाएंगे ऊपर से चांदी के वर्क। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, इससे मिठाई का लुक अच्छा आता है, बिल्कुल बाजार जैसा मिठाई लगता है। तो अब ऊपर से हम ऐड कर देंगे थोड़े से पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं, काजू बादाम, मैंने सिर्फ पिस्ता से ही गार्निशिंग की है। पिस्ते को ऐसे हल्का हल्का दबा देंगे ताकि पिस्ता बाहर नहीं आए। तो पिस्ते को मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है और अब इनको रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर ताकि ये ठंडे हो जाएं।
तो मिठाई को रखते हुए 1 घंटे तक हो चुके हैं, मिठाई अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम कट कर लेते हैं। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। हम इन्हें काजू कतली के शेप में कट करेंगे, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर ये हमारी मिठाई की रेसिपी कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपीज अपलोड करूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये आप देख सकते हैं, मिठाई को मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये सूजी की मिठाई बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुई हैं, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे सभी को। मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, इजीली निकल आते हैं, और इसी तरह से सारे मिठाई को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने दानेदार और मुंह में घुल जाने वाले हमारे मिठाई बने हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे सभी को, जो खाएंगे वो आपके तारीफ के बिना रह नहीं पाएंगे। जब इस मिठाई को आप हमारे तरीके से बनाएंगे तभी आपको इसका पता चलेगा कितने मज़े के बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे मिठाई को मैंने अलग कर लिया है और अब दूसरे बर्तन में सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को अपने लिए बनाएं या मेहमान के लिए बनाएं या फिर किसी फेस्टिवल के लिए भी बना सकते हैं, सबके लिए बेस्ट रहेगा। खाने वाले ये कोई भी नहीं कह सकते हैं आप ये मिठाई घर पर तैयार किए हैं, बस यही कहेंगे आप बाहर से मंगवाए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सूजी की बर्फी की रेसिपी कैसी बनी है कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपीज अपलोड करूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।